नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी और भी सीरीज और भी अगले पार्ट जो है आपको उपलब्ध करवा सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए कि निम्न में से कौन जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बाकी के विकल्पों पे बात कर लेते हैं। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। अगर दोस्तों हम आप बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम घास का अध्ययन करते हैं। लास्ट विकल्प को देखते हैं दोस्तों, कि पेलिनोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है वो पेलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी जननांकिकी या जनसांख्यिकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए कि रेशम कीट पालन को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्चर इस प्रश्न का, तो बिल्कुल ठीक है आप। अच्छा दोस्तों, अगर हम बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें, तो एपिकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन को हम एपिकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें दोस्तों, तो हम पीछे देख चुके हैं, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों, अगर हम लास्ट ऑप्शन बात करें फ्लोरिकल्चर की, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम अगले पार्ट जो है बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध करवा सके। दोस्तों, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो विचार करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एपिकल्चर में, तो यहां से ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, जल्दी से चारो ऑप्शन पे विचार करके बताइए कि निम्न में से कौन एक जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो एपिकल्चर के अंतर्गत हम शहद की मक्खी का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर के अंतर्गत बिल्कुल ठीक है सिल्कवर्म। पिसीकल्चर की बात करें दोस्तों, तो पिसीकल्चर जो है वो मछली पालन से संबंधित है, तो यहां से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही मिले थे, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों, विचार करके बताइए। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश के डिजाइन, संयोजन और मूल्यांकन से होता है। तो दोस्तों, यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। और दोस्तों, केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी पोस्ट कंपोस्ट कहलाती है। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया, अर्थवर्म, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, यहां से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, विचार करके बताइए कि जब हम हड्डियों के अध्ययन की बात करते हैं, तो उसका संबंध निम्न में से किससे हो जाएगा? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, ऑस्टियोलॉजी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम जो है हड्डियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑरोलॉजी के अंतर्गत बिल्कुल ठीक है, इसके अंतर्गत जो है पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जो है वो जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? दोस्तों जल्दी से बताइए, स्पष्ट कैसे उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि हमारी पृथ्वी पर निम्न दिए गए जीवों में से सबसे पुराना कौन है? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, नील हरित शैवाल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तीनों ही डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद नियम पर ही आधारित है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, जीव विकास के सिद्धांत को सबसे पहले जो है किसने दिया था? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, यह जो है लैमार्कवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि सांपों के जो अंग जो है वो गायब हो गए हैं जैव विकास के संदर्भ में, उसे कैसे स्पष्ट किया जाएगा? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्कियोप्लेट्रिक्स है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि आर्कियोप्लेट्रिक्स निम्न में से क्या है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जुरैसिक युग का सर्वप्रथम पक्षी जो है वो आर्कियोप्लेट्रिक्स कहलाता है। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या रखते हैं? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, चारों ऑप्शन पे जल्दी से विचार करिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सबका उत्तर बिल्कुल सही, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों जो भी गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वे अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक जैसा ही बनाए रखते हैं। चलिए दोस्तों वेरी गुड, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मतलब मछली है? तो दोस्तों जल्दी से चारों ऑप्शन पे विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वो एक सच की मछली है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो रजत मीन जो होता है एक छोटा पंखहीन कीट होता है, तो यहां से यह मछली नहीं है। क्रेफिश की बात करें दोस्तों, तो क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है, तो यह भी एक मछली नहीं है। जेलीफिश की बात करें दोस्तों, तो जेलीफिश जो है कशेरुकी जंतु नहीं है और यह जो है मछली की श्रेणी में नहीं आता है, तो यहां से यह भी ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, कैटफिश, तो कैटफिश जो है हमारी एक वास्तविक मछली है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है वो सबसे बड़ा स्तनपाई होगा? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही, वेल मछली जो है वो सबसे बड़ा स्तनपाई होगा। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम लंबाई जो है 33 मीटर से भी अधिक, और वजन की बात करें दोस्तों तो इसका वजन जो है वो 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ने वाला स्तनपाई है? तो दोस्तों विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वो उड़ने वाला स्तनपाई है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जी दोस्तों निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि उपर्युक्त में से कौन से स्तनधारी है? तो जल्दी से विचार करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों समुद्री घोड़ा का, तो एक प्रकार का कशेरुकी मछली है, तो यह नहीं होगा। बात करें समुद्री सिंह, तो यह भी एक स्तनधारी होता है। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक और तीन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, एम्फीबिया बताता है? तो दोस्तों जल्दी से चारों ऑप्शन पे विचार करके बताइए कि एम्फीबिया जो है वो क्या बताता है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए
उपयोजित होता है। जैसे हम बात करें मेढक की तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां से जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। तो यहां से वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी लंगूर जो है वो एक कपी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मानव सदस्य लघुतम कपी निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगे कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक है जो किसी दूसरे वर्ग से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केकड़ा। और केकड़े की बात करें तो दोस्तों यह किस वर्ग में आता है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, केकड़े का वर्ग होगा मेलेकोस्ट्रका। तो बिल्कुल सही है, यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तीनों ऑप्शन की, बरूथी बिच्छू और मकड़ी की, तो एरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत यह तीनों ही आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, मकड़ी में टांगे तो पाई जाती है, मगर ये बताइए दोस्तों कि मकड़ी के कितने टांगे होती हैं? जल्दी से बताइए और सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए दोस्तों। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी मकड़ी के 8 टांगे होती हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः क्षेपित करती हैं। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि जब चींटी काटती है तो कौन से अम्ल को एसिड को शरीर के अंदर, बिल्कुल ठीक है दोस्तों सभी को बिल्कुल सही उत्तर है, फार्मिक एसिड बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि मकड़ियों के द्वारा जिस रेशम का उत्पादन किया जाता है दिए गए विकल्पों में से वह क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम जो है वो गॉसमेर रेशम कहलाता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट जो है अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां ऊंट के पीछे मत जाइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी कंगारू चूहा जो है दोस्तों बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, और उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, हम पीछे देख चुके ऑप्शन नंबर ए कंगारू चूहा जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों चट्टान को हम शैल भी कहते हैं, तो यहां से शैल पर उगने वाले पादप को हम कहते हैं शैलोद्भिद। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए चारों ऑप्शन पे कि निम्न में से कौन एक जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो घटपर्णी का जलोद्भिद से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बाकी अगर हम अमरबेल की बात करें तो यह तना परजीवी है, चंदन की बात करें तो यह जड़ परजीवी है, आर्किड की बात करें तो इसे हम आधिपादप भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और बेसिक से शुरू करके हम जाएंगे मॉडरेट की तरफ। तो बिल्कुल ठीक है, जल्दी से बताइए कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, तने से हल्दी प्राप्त होती है। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें गन्ना आलू और अदरक, जी दोस्तों गन्ना आलू और अदरक, तो यह जो है तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग जो है वो तना है। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की शकरकंद की, तो शकरकंद का संग्रह अंग जड़ होता है और यह मूलांकुर से विकसित होता है। तो यहां से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
आलू है। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, आलू है तो क्या है जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन पे विचार करके। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है और जिसे हम कंद भी कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कंद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लौंग है। तो दोस्तों लौंग से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो जल्दी से चारों ऑप्शंस पर विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से लौंग क्या हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बंद कलियां, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लौंग जो है बंद कलियां या फिर पुष्प कलियां होती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लौंग से ही संबंधित, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल ठीक है, हम पीछे वाले प्रश्न में देख चुके हैं बंद कलिया या पुष्प कली, शुष्क पुष्प कली जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, केसर होता है। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका मिश्रण होता है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण जो है वो केसर में होता है। तो यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है एक शुद्ध फल की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप होता है जिसका वास्तविक नाम क्या होता है दोस्तों, पता है, एबेल मोस्क एस्कलेंट्स, यह भिंडी का वास्तविक नाम होता है। तो यहां से भिंडी जो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। तो दोस्तों लहसुन के अंदर से जो गंध आती है तीव्र, उसके पीछे कौन सा एसिड या यौगिक जो है वो कारण होता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, सभी का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सल्फर यौगिक इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों बताइए पुष्प पत्ती जड़ और तना में से कौन जो है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जब हम बात कर रहे हैं जीवन चक्र की दृष्टि से। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जिन्हें भी लगता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पौधे के प्रजनन में पुष्प ही सहायक होता है। तो यहां से विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीक्ष्णता आ जाती है। तो यहां से विकल्प बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों हम बात करें, देखिए रेशम, शहद और लाख, ये तीनों ही कीटों से प्राप्त होता है दोस्तों, मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो यहां से इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अगर हम बात करें तो मोती कहां से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मोती जो है मोलस्का संघ के जीव पिंक टेडा या फिर पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि किस फसल का उपयोग जो है हम औषधि के रूप में करते हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम नाम बदल दें एलोवेरा बता दें तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धृत कुमारी या एलोवेरा जो है एक औषधीय फसल है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिंकोना पादप के किस भाग से आती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी छाल, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, तने का उत्पाद नहीं है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कपास, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि बैक्टीरिया को हम निम्न में से किसके द्वारा देख सकते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। और इनकी लंबाई कितनी दोस्तों होती है, तो इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं,
मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। तो दोस्तों विचार करके बताइए कि जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और जड़ें इसीलिए लंबी हो जाती हैं कि वह दूर दूर के क्षेत्र तक पानी की तलाश कर सके। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट कहा जाता है उन पौधों को जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो दोस्तों बताइए जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, जल्दी से विचार करके। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों, जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों का एक जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है। तो दोस्तों विचार करके बताइए कि झील के जम जाने के बाद भी मछलियां जो है वो जीवित रह सकती हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जो है जल के हिमांक बिंदु से भी कम हो जाता है तो नदी जो है या झील है वो जम जाती है। परंतु इस दशा में झील या नदी को केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे का जो पानी होता है वह तरल रूप में ही रहता है। इसलिए मछलियां और जो अन्य जलीय जीव होते हैं वो उसके अंदर तभी भी जीवित रह सकते हैं। तो यहां से वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया कि तलों के निकट पानी नहीं जमता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि जैसे ही हम किसी मछली को पानी से बाहर निकालते हैं वो मर जाती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी वे सांस नहीं ले पाती है और उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मछलियों में सांस लेने के लिए गिलफड़े जिन्हें हम गिल्स कहते हैं पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, जो सेब आपको लाल लाल नजर आता है उसके पीछे क्या कारण है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, एंथोसायनिन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। ईस्ट और मशरूम है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि ईस्ट और मशरूम जो है वो दिए गए विकल्पों में से क्या है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, एक प्रकार की फंजाई होते हैं, फफूंद होते हैं। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों विचार करके बताइए कि नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नोस्कापिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जो है हमें पोस्ता से प्राप्त होता है। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। हीरोइन प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहां पिक्चर की हीरोइन की बात नहीं हो रही है, यहां पे कौन सी हीरोइन की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जल्दी से बताइए कि हीरोइन किससे प्राप्त करते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। और दोस्तों यह कैसी होती है, यह सफेद रंग का एक पाउडर होता है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि अफीम किससे प्राप्त किया जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। तो दोस्तों यहां से बिना पके फल के लेटेक्स से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों ये जो है सामान्य विज्ञान का पहला पार्ट है, तो हम आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट प्रोवाइड करा सके, इसके लिए बस अपना सपोर्ट बना के रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।